आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। इस वक्त हम देखते हैं कि हर कोई स्पाइडरमैन की शख्सियत के बारे में जान चुका था, क्योंकि सब लोग ये समझ रहे थे कि जो भी आदमी मर गए हैं इनके जिम्मेदार स्पाइडरमैन है। काफी दिन गुजर जाते हैं और इस वक्त पुलिस भी इसके घर आ गई थी। हर कोई पीटर को ही गुनहगार समझ रहा था, ना ही कोई कॉलेज में इसका एडमिशन हो रहा था और ना ही उसको कोई जॉब मिल रही थी, और वो हर तरफ से परेशान था। और इन सब का सामना उसके बेस्ट फ्रेंड्स को भी करना पड़ता है, और उन लोगों को भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। और अब यही रीजन था, पीटर इस सब के बारे में सोचता हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाता है और इन्हें बताता है कि सर मेरी वजह से मेरे दोस्तों को भी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी आइडेंटिटी के बारे में सबको पता चल चुका है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूं, और मेरी फैमिली भी बहुत मुश्किल में है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, यानी कि जो मुझे स्पाइडरमैन समझते हैं, वो सभी लोगों की याददाश्त मिट जाए। और अब साथ ही यहाँ पर वोंग आ जाता है और वो बताता है कि असल में वो अब सुप्रीम है, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि 5 साल दूसरे यूनिवर्स में गुजारने के बाद उस जगह का हिसाब किताब इस वोंग के पास था। और अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की भी कोशिश करता है और कहता है कि तुम इसकी हेल्प मत करना, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज जानते थे कि स्पाइडरमैन ने पूरी दुनिया को बचाने में उनका साथ दिया था, और इस वजह से वो इसकी हेल्प करना चाहते थे, साथ देना चाहते थे। और फिर वो उसे नीचे तहखाने में ले जाते हैं जहाँ पर वो सारे मैजिक किया करते थे। यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज सारी दुनिया से स्पाइडरमैन की यादों को भुलाने के लिए एक मंत्र पढ़ते हैं। तभी यहाँ पर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता है और कहता है कि अगर आप सारी दुनिया से मेरी याददाश्त मिटा देंगे तो इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मैं नहीं चाहता कि वो लोग मुझे भूल जाएं, और उन लोगों में मेरे फ्रेंड्स और एमजे हैं जिसके बारे में मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में भूल जाएं। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को सारा ध्यान अपने मैजिक पे था, तभी बीच में से वो एमजे का नाम रिमूव कर देते हैं। और तभी फौरन पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को दोबारा से रोक देता है और कहता है कि मेरी आंट, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उन लोगों को भी, जब उनका नाम भी वो निकालते हैं, आंट को भी इस जादू से हटा देते हैं, तो तभी पीटर को हैप्पी का नाम याद आ जाता है। और अब इतनी सारी कंफ्यूजन के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और अब वो सारा जादू गलत हो जाता है, और अब उस जादू की फॉर्म में एक टुकड़ा बन जाता है जो कि स्पाइडरमैन को मारना चाहता था और पीटर के पास आ गया था, लेकिन इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वो तो बस अपना और अपने फ्रेंड्स का कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहता था, इसीलिए वो सबसे पहले कॉलेज के हेड के पास जाता है जहाँ पर उसे पता लगता है कि वो सिटी से बाहर जा रही हैं। लेकिन वो उनकी कार तक पहुँच जाता है और जल्दी ट्रैफिक में से उनकी कार को रोकता है और मदद मांगता है और कहता है कि प्लीज आप मेरी वजह से मेरे फ्रेंड्स को तो पनिश ना करें। और उनकी अभी ये बातें चल ही रही थी कि वहाँ पर डॉक्टर ऑटो और टीवीएस आ जाते हैं जिनके पास 4 नुकीले हाथ थे, और फिर वो अचानक से स्पाइडरमैन पे हमला कर देते हैं। और इसके बाद उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन स्पाइडरमैन को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि डॉक्टर ने उस पर अटैक क्यों किया है। एनीवेज पे जब स्पाइडरमैन अपना सेफ्टी के लिए टेक्नोलॉजी वाला सूट पहनता है तो तभी उस डॉक्टर के हाथ पे स्पाइडरमैन के सूट के कुछ नैनो पार्टिकल्स लग जाते हैं। और अब इतनी मुसीबत काफी नहीं थी कि वहां पर आ जाता है ग्रीन गॉब्लिन। तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और अपने मैजिक से ऑटो ऑक्टेवियस को एक केज में बंद कर देते हैं। अब स्पाइडरमैन भी उनके सामने आ चुका होता है, वो उससे पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं और क्यों आए हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को बताते हैं कि जो मैजिक तुमने मुझसे करवाया था उसमें तुमने मुझे पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया गया था, और वो मैजिक सब उल्टा हो गया था, और वो दुश्मन जो पीटर को जानते थे कि ये स्पाइडरमैन है, और अब वो सब इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज इसको समझाते हैं कि तुमने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पता है, यानी कि यहाँ बात हो रही थी दूसरे डायमेंशंस की। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछते हैं कि वहां पर तुमने और किन लोगों को देखा। पीटर बताता है कि वहां पे एक और आदमी भी था जिसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि वो तो काफी साल पहले मर चुका था, तो अब वो यहाँ कैसे आ गया। और अब वो स्पाइडरमैन को एक अपना गैजेट देते हैं जिसपे उन्होंने जादू किया हुआ था। स्पाइडरमैन को कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी विलन्स हैं उनको तुम्हें यहाँ पर लाना होगा, और इसके बाद मैं उन सबको उनकी दुनिया में वापस भेज दूंगा। लेकिन इन सब में पीटर को हेल्प की जरूरत थी। अब वो नैट और एनजे को अपने साथ ले आता है जिसके बाद वो उन दोनों की मदद कर सके, और अब वो तीनों उस जगह पर बैठ जाते हैं जो एक तहखाना था जहाँ पर मैजिक प्लेस भी कहते हैं। अपने काम में वो लोग लग जाते हैं, यानी कि सभी मल्टीवर्स से आने वाले विलन्स को ढूंढना। लेकिन अब जो लोग स्पाइडरमैन को बुरा मान रहे थे उन लोगों ने स्पाइडरमैन के कपड़ों पे एक ग्रीन कलर का लिक्विड डाल दिया था जिसकी वजह से स्पाइडरमैन के बहुत कपड़े गंदे लग रहे थे, और अब वो सूट को उल्टा करके पहन लेता है और अपने काम पे निकल जाता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं स्पाइडरमैन का न्यू सूट ब्लैक कलर का जो कि काफी कूल लग रहा था।
और अब वो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पर पहले उसके दुश्मन हुआ करते थे। और अब स्पाइडरमैन का फ्रेंड नैंड उसे बताता है कि यहाँ पर कुछ देर पहले काफी हलचल हो रही थी, और अब तभी यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रो जो कि आते साथ ही स्पाइडरमैन पे हमला कर देता है। और अब यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए सैंडमैन आ जाता है, और अब वो सैंडमैन पीटर से पूछता है कि तुम इससे क्यों लड़ रहे हो, तो यहाँ पर मैं कैसे आया। तो फिर पीटर उसे बताता है कि काफी लंबी बात है, लेकिन सबसे पहले हमें इलेक्ट्रो को संभालना होगा। और अब सबसे पहले सैंडमैन इलेक्ट्रो को संभालता है और उसको कैद करके स्पाइडरमैन के साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ले जाता है और उसको मेडिकल जेल में वहां कैद कर देते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज भी होते हैं जो कि लिजर्ड को कैद करके भी ले आते हैं। यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन भी होता है जो कि अपनी दो शख्सियतों से बहुत परेशान था, और उसकी जो मेन वाली शख्सियत थी वो उसे अपने आप से दूर करना चाहता था, और इसीलिए वो उस मास्क को तोड़ देता है। और फिर अब वो सीधा पहुंच जाता है पीटर पार्कर के घर पे उसकी आंट के पास, और तभी वहां पर पीटर भी आ जाता है और उनको बताता है कि हम सब मिलकर आपको आपके यूनिवर्स में दोबारा भेज देंगे। और फिर वो उन्हें लेकर पहुंच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के वही मैजिकल पैलेस पे। और अब यहाँ पर विलन्स आपस में एक दूसरे को देखते हैं, और यहाँ पर ऑटो ऑक्टेवियस उनसे क्वेश्चन करता है कि तुम्हें मरे हुए तो काफी टाइम हो गया था, तो तुम जिंदा कैसे हो। तभी वो कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना था। और अब बातों ही बातों में इन सब विलन्स को पता लगता है कि जब ये लोग मरने वाले थे तो वहां से वो लोग गायब होके इस यूनिवर्स में आ गए थे, यानी कि ये सब लोग जब दोबारा अपने यूनिवर्स में जाएंगे तो इनकी जाने जा सकती हैं। और अब ये विलन्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये अपने यूनिवर्स में जाएं और इनकी डेथ हो जाए। पीटर पार्कर की आंट भी उनको यही समझाया था कि बड़ी ताकतें बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती हैं। और अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज का मंत्र पढ़ के उन लोगों को उनके यूनिवर्स में वापस नहीं भेजना चाहता था, और अब यही रीजन था जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट हो जाती है। यहाँ पर स्पाइडरमैन भी कम नहीं था, उसको समझ आ गया था कि ये सारा एक ज्योमेट्रिकल मैथ्स है, और फिर अगर मैं इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करूँ तो मैं अच्छे तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता हूँ। और फिर यही रीजन होता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उनका बॉक्स लेकर वहां से निकल जाता है और उन्हें वहीं पर उनकी दुनिया में छोड़ देता है। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू का मैजिकल बॉक्स स्पाइडरमैन से लेना चाहते थे, और अब वापस आने के बाद स्पाइडरमैन को पता लगता है कि हैप्पी के पास एक ऐसी मशीन है जिससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी गैजेट बना सकते हैं। और अब वो सभी विलन्स को लेकर हैप्पी के घर पहुंच जाता है, और अब वहां पर कुछ नए नए गैजेट्स बनाकर उनको ठीक करने की कोशिश करता है। अब नंबर वन पे आता है ऑटो ऑक्टेवियस, जिनके सर के पीछे एक चिप होती है, स्पाइडरमैन उसको रिपेयर करता है जिसकी मदद से वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सके। और अब उनके पास स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को ठीक करता है, उसके ऊपर एक डिवाइस लगा देता है ताकि वो डिवाइस सारे इलेक्ट्रो पावर को अपने अंदर जज्ब कर ले और इलेक्ट्रो दोबारा से एक इंसान बन जाए। और उसके बाद वहां पर ग्रीन मास्क वाला विलन की दूसरी शख्सियत सब कुछ खत्म कर देती है, वो अचानक से सबके साथ फाइटिंग करने लगता है। और अब इस फाइट में सभी विलन्स उसके साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पावर सबसे ज्यादा है, हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए वो सब मिल जाते हैं और स्पाइडरमैन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर सभी के दरमियान बहुत ज्यादा हैवी फाइट होती है जिसमें सब विलन्स शामिल थे, और अब इनमें से एक विलन वहां पर ब्लास्ट कर देता है जिससे पीटर की आंट भी मर जाती है, और ये यहाँ पर पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। सभी विलन्स भाग गए थे और अब यहाँ पर स्पाइडरमैन भी अकेला था। तभी उसके फ्रेंड सोचते हैं कि अगर वो अकेला है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी स्पाइडरमैन के फ्रेंड्स के हाथ डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग्स लग जाती हैं। वो उन मैजिकल रिंग्स को पहन लेता है और जिस हाथ से जादू करना था उस हाथ से तो नहीं बल्कि दूसरे हाथ से जादू करने लगता है, और इसी बीच वहां से एक पोर्टल ओपन हो जाता है, और तभी वहां पर आ जाते हैं इस कहानी के सेकंड स्पाइडरमैन। तभी एमजे उसे कहती है कि ये हमारा स्पाइडरमैन तो नहीं है, तुमने गलत स्पाइडरमैन को बुला लिया है। तभी अगेन जब वो अपनी रिंग को घुमाता है तो वहां पर पीटर यानी स्पाइडरमैन आ जाता है, और अब यहाँ पर दोनों स्पाइडरमैन आपस में बात करते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो। अब तभी इन्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। अब तभी इन्हें पता लगता है कि इस यूनिवर्स के ऊपर सभी विलन्स एक साथ आ गए हैं, और अब इन्हें पता लगता है कि इस यूनिवर्स पे तीसरा स्पाइडरमैन भी है जिसपे सभी विलन्स ने अटैक कर दिया है, इन्हें वहां जाकर उसकी मदद करनी होगी। और अब यहीं से ये दोनों तीसरे स्पाइडरमैन के पास पहुंच जाते हैं, और अब तीसरा स्पाइडरमैन इनको बोलता है कि अगर हमें सब विलन्स को हराना है तो हमें इनकी पावर्स को एक डिवाइस में कंज्यूम करके रखना होगा, और फिर हम लोगों को दोबारा से इनके यूनिवर्स में भेज देंगे, फिर चाहे ये जिंदा रहें या मर जाएं, ये इनका काम है। और अब ये तीनों पहुंच जाते हैं हैप्पी के घर में,
जहाँ पर इनको गैजेट्स बनाने एक मशीन मिलती है और उससे ये तीनों अपने अपने विलन्स के लिए पावर कंज्यूमेबल डिवाइस बना लेते हैं। और यहाँ पर आता है मूवी का वो सीन जहाँ पर तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने विलन से लड़ने लगते हैं, अपने अपने विलन से बहुत जबरदस्त फाइट कर रहे थे। और अब सब विलन्स को हराने के बाद लास्ट बारी आती है ग्रीन गॉब्लिन की, जो कि एक नॉर्मल अपनी शख्सियत सबको दिखा रहा था, लेकिन अब वो वाला स्पाइडरमैन जिसकी आंट को उसने मारा था वो उसको बहुत मारता है। तभी वहां पर दूसरा स्पाइडरमैन आके उसको बचा लेता है और कहता है कि इसको हक है जीने का, इसको छोड़ दो। लेकिन अब वो विलन यहाँ पर बहुत चलाकी दिखाता है और दूसरे स्पाइडरमैन को नाइफ मार देता है जिसने उसे एक्चुअली बचाया था। और तभी तीसरा स्पाइडरमैन आ जाता है और वो इस विलन के इंसान बनने वाली शख्सियत पे डॉट लगा देता है। तभी वहां पर सभी विलन्स इंसान बन जाते हैं और अब जो हर कोई इंसान बन गया था, तभी वहां पर एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। और अब सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के फ्रेंड से पूछते हैं कि उसने यहां पर उन्हें क्यों कैद किया था, और ये बात उसे पता थी कि मैं 12 घंटे से अपनी दुनिया में लटका हुआ था। फिर स्पाइडरमैन का फ्रेंड नैट उसे बताता है कि सब कुछ ठीक कर रहा है स्पाइडरमैन, अभी आप प्लीज वहां पर मत जाइएगा, और जब वो सब कुछ ठीक कर लेगा तो आपकी बारी आने पे आप सबको अरेस्ट कर सकते हैं मेमोरी सबकी। और यहाँ पर तीनों अपने काम में कामयाब हो चुके थे कि सभी विलन्स को वो इंसानों में तब्दील कर चुके थे। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से सब कुछ खत्म कर देते हैं और हर विलन को अपनी अपनी यूनिवर्स में वापस भेज देते हैं। और अब स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से आके कहता है कि यानी पीटर कि अगर आप चाहें तो सभी के दिमाग से मेरी यादों को मिटा सकते हैं। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हारे करीबी लोगों में भी तुम्हारी यादें मिट जाएंगी, कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। और यहाँ पर पीटर यानी स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि अगर ये सब करने से यूनिवर्स बच सकता है तो आप ऐसा कर लें। और फिर इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सबकी मेमोरीज मिटा देते हैं अपना मैजिक करके, और फिर स्पाइडरमैन ही पीटर ही स्पाइडरमैन है। और फिर मूवी के एंड पे हम देखते हैं कि पीटर के फ्रेंड्स एमजे और नैन जो कि पीटर को जानते थे, अब वो लोग भी उसको नहीं जानते, उनके दिमाग से भी उसकी यादें मिट चुकी हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब उन दोनों को कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। और अब वहीं पर पीटर अपनी आंट की ग्रेव पे जाता है तो वहीं पर पीटर को हैप्पी हॉगर मिलता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पीटर उन्हें बताता है कि इसका रीजन स्पाइडरमैन था। तो वो कहते हैं कि हाँ इसका रीजन स्पाइडरमैन था। इस कहानी का पहला पोस्ट क्रेडिट सीन हमें इस आदमी से रिलेटेड देखते हैं जो कि एक बार में बैठा टेंडर से बात कर रहा था। तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक होता है और वो यहाँ से गायब हो जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।